हेलो, मैं शिप्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए, घाट से हम सीधे घर आ गए हैं क्योंकि कोसी हमारे यहाँ है। हम आज आप लोगों को दिखाऊंगे यूपी बिहार में कैसे कोसी और मुंडन कराते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ का माहौल ना ऐसा लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, देखते रहो, गाना गाओ और काम करो। इस तरह से देखिए, कोसी की तैयारी हो रही है। घाट से आते ही समय हम लोग सीधे इसी पर भिड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डबल कोसी था। उसके बाद से सुबह हमारा मुंडन था, कि जो कि बाबू का वो क्या ये है, कोसी है। और एक और घर में खुशी था, तो उसके लिए भी शादी हुआ था, उसका भी कोसी था, तो डबल कोसी हम लोग कर रहे हैं। तो ये देखिए वो कैसे, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा, अगर आप लोग को पता नहीं हो तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा आप लोग को बता दूँ कि कैसे होता है। ये देखिए, ये जो गन्ना में ना ऊपर हम लोग खोइच इसको बोलते हैं, जो कि हम लोग नहीं, वो खोइचा डालते हैं, जैसे शादी ब्याह में होता है ऐसा है, लड़की को खोइचा डाला जाता है। उसी तरह इसमें भी गन्ने के ऊपर बांधेंगे ना, तो वो वही देते हैं माता को। तो उसमें ना क्या होता है कि जितना माने फल है, जितना फल है, फ्रूट है, जो है माने सबको ही डालना है, और सबको ऊपर ये करके उसको पहले बांध लेना है। और ये देखिए, ये कोसा रहता है, वो घर जो ये है ना, कोसी मिला है ना, तो उसके साथ ही कोसा मिलता है, उसको भी हमको भरना रहता है। फिर कोसी के अंदर भी सबको भरना रहता है, इसलिए पूरा फल फ्रूट लगता है। और सब देखिए कैसे कैसे होता है सब कुछ को, सब लोग कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे वैसे, तो बहुत है। हमारे यहाँ दीदी बैठी थी, तो मैं ही थी, इधर आई मेरी वो ननद थी, वो भी थी, तो सब बता रही थी इधर उधर। तो मैं बोल रही थी कि अच्छा ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, थोड़ा बहुत नहीं, जो आदमी करते हैं करता रहता है उसको थोड़ा सा ये हो जाता है। तो देखिए हम लोग कैसे आपस में बात कर रहे हैं, और आप लोगों को मैं खुद ही देखिए कैसे कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा नहीं। आप सुन रहे हैं कैसे बात हो रहा है, कि माने उसकी मम्मी फास्ट नहीं रहती है, तो कैसे कि माने जो फास्ट रहेगा वही तो कोसी भरेगा ना, तो वो उसकी मम्मी नहीं रहती है, बाबू की मम्मी नहीं रहती है। तो फिर हम लोग बोले कि वहीं आप पास में ही बाबू को लेके अपने बैठ जाओ, ऐसे करके हो रहा था। तो यही सब का डिस्कस चल रहा था कि क्या करे क्या ना करे। तो मैं सोच रही थी कि मैंने उसके मैंने उसमें भी मैंने ये हो मैंने खोंच डलाए, तो फिर ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, जब वो नहीं कर रही है तो खोंच नहीं पड़ेगा उसके मैंने आंचल में। तो मैं बोली कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप ही लोग सही बोल रहे हो, घर के बड़े बुजुर्ग ही सही बोलते हैं, हम लोग को थोड़ा बहुत ये हो जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आप लोग को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वहाँ का बात भी सुना देती हूँ, क्योंकि मैं ही खाली बोल रही हूँ उसी टाइम से, तो इसलिए कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है थोड़ा आप लोग भी इंजॉय करिए, तभी अच्छा लगेगा कि गांव का आवाज़ कैसा होता है और कैसे कैसे किया जाता है, कैसे बात होती है, कैसे क्या होता है। तो इसीलिए तो मैं ना सोची कि आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा सुना देती हूँ, तो आप फिर सुन लो। सेवा कोरा जाई
देखिए अभी वो लोग आएंगे क्योंकि पूरा तैयारी हो गया है। और गन्ना देखिए लेके ये लोग आ गए। तो ये रहा कोसी भरा रहा है जो कि मेरे यहाँ के सारे हस्बैंड लोग क्या जितने लोग जेंट्स लोग थे तो सब लोग आके, क्योंकि जितने लोग रहते हैं 5 आदमी 7 आदमी 11 आदमी तो वो कर देते हैं। और ये देखिए हो गया, तो मैं ये कर रही हूँ, आप खुद ही देखिए। मॉर्निंग का टाइम है क्योंकि हम लोग आ गए थे और मेरा वीडियो शूट नहीं हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ 4 बजे ही आ गए थे। यहाँ भी कोसी भर आता है जैसे कि घर में हुआ था ना, उसी तरह यहाँ माँ के पास भी लाते हैं, गन्ना भी लाते हैं, सब कुछ लाते हैं। तो क्या हुआ कि घर के लोग नहीं आ पाए तो थोड़ा सा आप लोग मिस कर दिए और मैं भी नहीं ध्यान दी उस पर क्योंकि इतना काम रहता ना कि हो नहीं पाता है। और सारे बच्चे भी सोए थे और बड़े भी, तो इसलिए हम लोग आए थे 2-4 आदमी ही जो जगे हुए थे। लेकिन वही मैं करने अगर कर ली रहती तो बहुत ही अच्छा रहता। तो ये सुबह हो गया है और सब लोग आ गए हैं। तो अगर आप लोग को कोसी अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ही दबाइएगा। अगर आप लोग को मेरे यूपी बिहार के स्टाइल से कोसी अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो परंपरा के अनुसार जो कोसी हम लोग भरते हैं वैसे आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये देखिए हम लोग सुबह हो गया है, अब सूरज निकलने का टाइम हो रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग पानी के अंदर घुस गए हैं और घुसने के बाद फिर हम लोग ना यहाँ ना इतना अच्छा गाना हो रहा था ना कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। लेकिन रुकिए थोड़ा सा मैं आप लोग को, क्या होता है ना कि इसमें हम लोग देखिए अपना अपना वो जैसे सीपुला लेके हम लोग पानी में खड़े हो गए थे क्योंकि अब अर्घ सूरज भगवान निकल गए थे तो हम लोग अर्घ देने के दे रहे थे। यहाँ ये पंडित जी थे और ये पंडित आइन, दोनों आदमी अर्घ दिला रहे थे और पानी में डूबने में इतना डर लग रहा था कि पैर न फिसल जाए, चाहे इतना भारी था ना वो क्या कहते हैं फल फ्रूट से पूरा वो भरा हुआ था हम लोग का सीपुला। हम लोग धीरे 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 माँ का नाम ले लेके हम लोग अपना इधर घूम रहे थे। सूरज भगवान आपको भी मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए उग गए हैं निकल गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गाना तो इतना बज रहा था ना, मैं उसको नहीं आप लोगों को कर रही हूँ। ये देखिए हम लोग वहाँ से आके सब लोग सब कुछ करने ये कर लिए थे तो हम लोग भी आके हॉर्न कर रहे थे। अर्घ के बाद से हॉर्न किया जाता है। फिर इधर देखिए सिंदूर लगा रहे हैं, सिंदूर का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए मेरी ननद हैं जो कि मेरे को लगा रही हैं। और इधर ही प्रसाद माने जैसे हम लोग खोइचा देते हैं, क्या कहते हैं आंचल में देते हैं सब लोग को,
तो इधर ही यही सब हो रहा है अभी तक। सिंदूर ही बहुत, इतने आदमी थे ना, और ये देखिए मुंडन का तैयारी हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे बाबू को ज़रूरी लाइक करिएगा कि मेरे बाबू का इतना सुंदर बाल था ना कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। और रो रहा था, उसका कैंची ना उसके बाल में लग ही नहीं रहा था, इतना उसका बाल था ना कि आप लोगों को क्या बताऊँ, एकदम लग रहा था कृष्ण भगवान है। और रो रहा था रो रहा था, उसके पापा लेके बैठे तभी तब जाके वो कटवा लिया, फिर भी रोए जा रहा था, इतना रोया है ना, इतना रोया है कि क्या बताऊँ आप लोग से। और ये देखिए नीचे में बुआ जी बैठी हैं, उन्हें उसी लिए वो आई थी क्योंकि बाल का माने मुंडन होना था, तो बुआ के माने झोली में ही होता है, बुआ के आंचल में ही वो अपना नेक चार कर रही हैं, जो देना था वो दे रही हैं। तो आप लोग देख के बताइएगा कि हम लोग क्या दी हैं। तो फिर ये देखिए उसकी मम्मी हैं जो कि दे रही हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ ना मुंडन के बाद से माने वो बाल पहले कट होता है, उसके बाद से उसको पूरा बाल को छील देते हैं, तो मूड़न है, टूड़न और मूड़न हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए पहले टूड़न हो गया, उसके बाद से इसको मुंडन भी हो गया। और इतना रोया था ना, इतना रोया था, उसके पापा उसको एकदम ले कर बैठे हुए थे, तब जाके वो कराया। इतना मैंने चंचल लड़का वो कैसे करा लिया हम लोग, तो यही उसका ये भाई है जो कि उसका भाई कान्हा है, वो शिवाय है और ये कान्हा है। तो शिवाय का मुंडन हो रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा था, सब कुछ हो रहा था। इसी तरह हमारे यूपी बिहार में इसी तरह कोसी भर आता है और इसी तरह ही मुंडन होता है, सुबह के समय होगा। और फिर वहाँ से वो बाल उठ के आके माता जी के को अर्पण कर देंगे कि ये माता जी मेरा बच्चा का माने जो भी कहना है वो माता जी को बोल देंगे और उनके उनको चढ़ा देंगे वही। और उसके बाद से फिर अपने अपने घर के लिए ये करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए, इसका अभी तक मुंडन ही मुंडन हो रहा है। उसका देखिए मुंह, देखिए कैसे नीचे जा रहा है, उसका वो ढके हुए हैं अभी। वो कान्हा पता ना उसको क्या क्या बोला था कि मत रो, ऐसे करेंगे। वो ना काऊ से इतना प्यार करता है ना, गाय से, कि क्या बताएं। और ये देखिए तो हम लोग अब फिर अपने घर आ गए हैं। घर आने के बाद